सर। सर क्या आप लोगों के मजे, पैसे भी लेते हो मजे भी लेते हो। शक्ति कपूर बेड़ा गरक हो तुम्हारा, तुमने तबाह कर दिया मुझे, बर्बाद कर दिया। मेरे साथ कुछ नहीं किया है, वो जिन औरतों के तुमने दुपट्टे खींचे हैं, साड़ियां खींची हैं ना, जिनको बर्बाद किया है, उनमें से एक मेरी बीवी है। फिल्मों में काम किया तुम्हारे साथ, डुप्लीकेट है, हीरोइन नहीं है। 40 फिल्मों में तुम्हारे साथ काम किया, उसका डायलॉग एक ही होता था, शक्ति कट हो गया है। शक्ति कट हो गया, 2.5 घंटे की फिल्म में 3.5 घंटे का सीन यही करोगे क्या? सुरवीन कैसी हो? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, अभी खराब करते हैं। सुरवीन तुम्हारी फिल्म देखी हेट स्टोरी, क्या नफरत थी, क्या मुंह मारी थी उस फिल्म में। मुंह मारी खत्म ही नहीं हो रही थी। मेरा मन करने लगा मैं भी कहीं जाके मुंह मारी करूं। तुम टीवी पे आते हो ना, मैं तो 2-3 दफा टीवी में घुस गया हूँ। तो मेरी बीवी ने टांग पकड़ के खींचा, कह रहा अब अगर तूने किया बराबर वाले कमरे में शक्ति की फिल्म आ रही, मैं घुसूंगी फिर वहां। और कितने डैडी? मम्मी भाग जाओ, सारे डैडी एक साथ इकट्ठा हो गए। ये मेरा बेटा है जी, ये मेरा बेटा है। हाँ जी बेटा है, बेटा है। अच्छा अच्छा, तुम्हें तो हर जगह लड़की दिखेगी सर। अरे इसको जब पता लगा ना कि आप लोग आ रहे हो, 3 विलन आ रहे हैं, फौरन लड़के के गेटअप में आ गया। अबे तुम क्या समझ रहे हो, शूटिंग के बाद चले जाएंगे? तेरे वैनिटी के पास 4 घंटे बैठ जाएंगे, आप निकलेगी। नहीं नहीं, इनके पास इतना फ्री टाइम थोड़ी ना है। इन्हीं के पास तो टाइम है। बहुत बिजी चलते थे ना पहले, 10-10 फिल्मों की शूटिंग, स्टूडियो जाते थे, अपनी पोजीशन लेते थे, कहते हीरोइन लाओ बदलो ले जाओ, बदलो ले जाओ। लेकिन रंजीत अंकल मैंने सुना है कि फिर इतना काम करने से ना काम की क्वालिटी कम हो जाती है। अबे इनके काम में कभी क्वालिटी कम नहीं हुई, डूब के काम करते थे, तैर के। हाँ ये इतने डूब जाते थे, हीरो हीरोइन को बोलते ना कट, इनको लाठी ला के बोलते थे हट कट हट कट हट कट। अंकल आपने हमेशा विलेन का काम किया, आप कभी हीरो नहीं बने? नहीं नहीं, शक्ति भाई को फिल्म मिली थी, हीरो बने। ये फिल्म वो थी ना बजरंगी भाईजान, पहले इन्होंने की थी, फिर रीशूट करना पड़ा। वो एंड में बच्चे छोड़ने जाते थे ना, माँ उठा के ले आए। इनको देख फिल्म में जज का रोल दिया, जज का रोल, वहां बोल रहे ऑर्डर ऑर्डर, मुजरिम नहीं मिलता उसकी बहन को उठा के ले आओ। ये तो बड़े खतरनाक है भाई। अब चले चलो, मारने मारोगे तो नहीं ना। शकील भाई हमारे सबसे सीनियर हैं शक्ति जी, मतलब इनके साथ जो भी पार्टनर होता है उसे हंसा हंसा के थका देते हैं, क्योंकि अभी इस उम्र में थका थका के हंसा नहीं सकते ना। ऐसा नहीं, ये अच्छे तो ये भी कोई कम नहीं है। हाँ। बड़ी प्यारी बच्ची सर, बड़े पैसे बचाती है, जब भी इसको भूख लगती है ना अपना शीशा देख लेती, भूख मर जाती है। ए, दुनिया के सबसे बड़े तकिए। थैंक यू शकील भाई और श्रुति के लिए जोरदार। पत्तियां बोझा दो के नींद नहीं आती है। पत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी। शक्ति जी अभी गाना गा रहे थे कि बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी, सर अब आने वाली है बत्तियां बुझाने वाली। लेकिन आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं कि सारे आऊ आप ही देखो। ये वाला आऊ उधर, बैटमैन इधर। आई आई आओ तुम्हें कुर्सी पे ले जाओ। इंडस्ट्री में आ रहा है एक नया विलन। जी हाँ सर, उसको ना बस आप लोग का अप्रूवल चाहिए, प्लीज दे देना। दोगे ना? डन। गुल्लू आप भी दोगे ना? इतनी देर कोई बंदा कैसे हंसी रोक सकता है। अरे यार प्लीज, भारती के लिए से। नहीं नहीं, अरे ओ भारती के लिए।
क्योंकि हंसी ऐसी है। जोरदार तालियां हो जाए नसीम और पूजा के। हेलो रंजीत सर, हेलो गुलशन जी, हेलो शक्ति जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैंने चैनल वालों को पहले दिन ही बोला था कि पहले दिन इतना ग्लैमर मत दिखाओ, आगे ना तीनों लपक के। तसीम, क्या हुआ? तू मुझे किडनैप करके इनके सामने क्यों लेकर आया है? तुझे इनकी इमेज के बारे में कुछ पता है कि नहीं? क्या हुआ पागल, मोहल्ले में ना किसी लड़की का दुपट्टा छोड़ रुमाल तक घूम जाए ना तो इनके कमरे की तलाशी ली जाती है पहले। वैसे पूजा, तुझे पता है ट्रेन के अंदर लेडीज कंपार्टमेंट सबसे पहले कब बना था? कब बना था? जब इन तीनों ने सफर किया था। बच्चा जब पैदा होता है ना तो नर्स जाके बाप को बोलती है आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके नन्ना सा बेबी हुआ है। जब गुलशन जी पैदा हुए ना तो नर्स ने जाके डॉक्टर को पता क्या कहा था? सर इस बच्चे को आप देखे, ये बच्चा मुझे बच्चों की तरह नहीं देख रहा। इसकी बातों का बुरा मत मानना गुल्लू। गुल्लू? अरे तू जानती है इनको? अरे पागल, मैंने बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, ये अलग बात है, यहाँ कोई नहीं जानता। मुझे डर नहीं लगता, इन तूने देखा नहीं फिल्मों में इनके साथ इतने सारे गुंडे होते हैं हमेशा। हाँ सर, वैसे आप लोगों के साथ बड़े लोग होते हैं, वो आपका हर बात आपकी मानते हैं, आपके एक इशारे पे जान भी देने को तैयार होते हैं, कहाँ से मिलते हैं ये बंदे? यही रीजन है इनका, क्योंकि ये हमेशा इतने गुंडों में इतने आदमियों में घिरे होते हैं ना, तो कोई लड़की दिखेगी तो लपकेंगे ही ना। वो उनका किस्सा सुना रही है, ये इनविटेशन दे रही है। अभी लपक आए ना तो तुझे पता चल जाएगा। अरे आने दे, कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? तुझे पता है ना विंटेज गाड़ियां है ना दूर से अच्छी लगती है पर उनका मोटर काम नहीं करता। चुप जा, गाड़ी स्टार्ट हो रही है। सर आप बैठे ना, आप खाम खामे खड़े हो रहे हैं। क्यों सर? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तुझे कोई खौफ नहीं है क्या? इनका कुछ भी बोल रहा है। है खौफ तो इनका बहुत है, गुलशन जी का तो इतना खौफ है, ये तो टीवी के सामने बैठ जाए ना तो न्यूज पढ़ने वाली न्यूज चेंज कर देती है। एक दिन टीवी के सामने बैठे तो वो न्यूज कास्टर कह रही थी कि आज महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 300 रन बनाए, ये जाके सामने बैठे उसने मुंह कपड़े से लपेट के कहती है और वो आउट हो गए, इससे पहले ये भी आउट हो जाए खबरें खत्म हुई। ये रंजीत सर अभी एक दिन गाड़ी के अंदर जा रहे थे, रोड के ऊपर एक होर्डिंग लगी हुई थी, उसके ऊपर एक मॉडल यूं करके खड़ी थी, उन्होंने सिर्फ दो बार टिका के देखा उसको, उसने होर्डिंग से मुंह इस साइड पे कर लिया। तीन मिनट बाद वो सात वाली होटिंग से पूछ रही थी गया कि नहीं गया। वो आप एक खूबसूरत सी लड़की बैठी है उससे भी तो बात कर। अच्छा ये बात है? हाँ तो पहले बोलना तो बात कर लेता हूँ। ओह सुरेन जी माफ करना, जिसके पास अपना इतना प्यारा एलईडी हो वो डब्बा टीवी नहीं देखता। अभी चल बहुत हो गया, अभी हाथ जोड़ और बोल मेरे साथ। गुल्लू जी, रंजीत जी, शक्ति जी और सुरेन जी, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो चल बेचल चल बेचल। अरे आइए पूजा जी आइए। समझ गई मैं, पहले मेरी बारी में फेंका था, पूजा की बारी, मतलब दो लड़कियां आपको पसंद आ गई। सर ये कॉमेडी नाइट बचाओ, कोई मेला थोड़ी कि छल्ला डाल के लड़की लेते जा रहे हो। इतनी पसंद हूँ मैं आपको, बहाने से सारा बिस्तर खराब कर रहे हो। वाह वाह वाह। नसीम जी को देखकर एक बात मतलब पक्की हो जाती है कि आलू को कितना भी सजा दो आलू आलू ही होता है। पूजा भी बड़ी प्यारी है, आपको पता है फ्री में ट्रेवल करती है, ऑटो वाले की गर्दन में पप्पी देके भाड़ा माफ करवा लेती है। चलिए सर आप अपनी पप्पी सॉरी मतलब आप अपनी लड़की लेके उधर बैठ जाइए। जोरदार तालियां। इधर की रिवाज
शिकायत है सर, ऐसा नहीं कि हम ही बोलते रहे हम ही बोलते रहे। अब जो है बारी है शक्ति जी, गुलशन जी, रंजीत जी और सुरवीन की। अब ये चारों जो हैं हमारी शान में चार चांद फाड़ेंगे। अरे बंद करो बंद करो। अरे भारती तू हमें क्या बोल रही है, अपने आप को देखा कभी? अरे तेरे जैसी को देखकर तो हम विलन भी डर के मारे भाग जाते हैं कहीं। और इसकी बिल्डिंग के नीचे वॉचमैन और ड्राइवर झगड़ा करते हैं, वो आपस में लगे रहते हैं कि एक बात बताओ भारती वॉचमैन पे लाइन मारती है या ड्राइवर पे लाइन मारती है। आई लव यू स्टिल, आई लव यू। और ये हमारे भाई शकील भाई एक बार बाजार से रोबो लेके आए और रोबो ऐसा था कि जो भी झूठ बोलेगा उसको तमाचा मारेगा। तो इनका बेटा सुबह सुबह उठा, बोले पापा पापा मेरा पेट बहुत दुख रहा है, रोबो ने तमाचा मारा फटाक। फिर ये बोले बेटे जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना मैंने कभी झूठ नहीं बोला, फटाक तमाचा रोबो ने।